हेलो, कौन है भाई? परेशान नहीं करो। पापा, आप रो रहे थे ना? मैं क्यों रोऊंगा? मैं पिछले 10 साल से रोते रोते मेरी आंखें तो सूख चुकी है। अब छोड़ दिया मैंने रोना। क्यों फोन किया? पापा, वो न्यूज़पेपर में देखा, बब्बन काका का ठेला। वो पूरे शहर में आग लगी हुई है, सारा शहर जल रहा है। ठेला कौन सी बड़ी बात है? मैं हर बुधवार वहाँ गोलगप्पे और आप वहाँ गुमटी में बैठ के पान खाया करते थे ना। आज भी चंद्र बन जाएगा तो ऐसा ही होगा। अब ये बताओ, क्यों फोन किया? बब्बन का हाल जानने के लिए या पनवाड़ी का हाल जानने के लिए? पापा, आज बुधवार है, आपकी फिक्र हो रही। आपको कैसे पता मैं वहाँ? फेसबुक पे देखा था मैंने। आप फेसबुक यूज करते हैं? मैं नहीं करता हूँ। वो बगल में शर्मा जी का बेटा आया था बंटी। तब झूठ बोलते हैं, आपका हकलाना अभी तक गया है। सारी आदतें याद है अपने बाप की तुम्हें, लेकिन बाप की याद नहीं है। तो दुनिया रोशन करने गई थी पापा, पर ये भूल गई कि दिए तले अंधेरा होता है। इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगी हो तुम। आप कब तक इस छोटी सी बात पर अटके रहेंगे? तो सोचा कुछ बड़ी बात करके देखूं। छोटी सी बात? इतने बड़े घर का लड़का ढूंढा था तुम्हारे लिए मैंने। रेलवे में अफसर है, 2 प्रमोशन ले चुका है। पापा, अगर मदर टेरेसा भी घर में रसोई के चक्कर काट रही होती या फिर मेधा पाठ कर। इतने बड़े बड़े लोगों की बातें मत कर मुझसे। तेरे साथ की और तेरी दोस्त क्या नाम था, शेफाली, तेरे नोट्स पढ़ के कहां से कहां पहुंच गई है। घर में खाना भी खा जाती थी। किसी पीआर कंपनी में पीआर मैनेजर क्या है, लग गई है। पापा, वो मैनेजर बनी है, ये बहुत अच्छी बात है। और शायद आप ये भी जानते हो कि वो मैनेजर किसकी वजह से बनी है। पर आप ये जानते हो कि वो कितने घर रोशन कर रही है? मैं शायद बच्चों को पढ़ा के यहाँ पे रह के 1000 घर रोशन कर दूँ, पर शायद वो इतने नहीं कर पाए। एक बाप की प्रॉब्लम तुम्हारी समझ में कभी नहीं आई। समाज की प्रॉब्लम सॉल्व करो, दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व करो। इतने घने अंधेरे में किसी न किसी को तो जुगनू बनना ही पड़ता है ना। तुमने ठेका ले रखा है जुगनू बनने का। सेंटी हो गया? कुछ नहीं, सेंटी हो गया मैं। बच्चों की जीत के आगे घुटने टेक देते हैं हम लोग। वैसे डीपी में बिल्कुल अनुपम खेल लग रहे हो। चुप, अनुपम खेल तो गंजा है। मेरी जवानी की फोटो देखी तूने? दिलीप कुमार लगता था, इतने घने बाल थे मेरे सर पे। कहो तो आपकी पड़ोसी किरण खेर वाली सुषमा आंटी से बात करो। चुप, मजाक करती है बाप से, बेहुदा। वैसे पापा, अगर आप बोलो तो मैं यहाँ का सारा बोरिया बिस्तर लपेट के आ जाती हूँ। सारी बातें तुझे मेरी याद है? ये मैंने सिखाया था तुझे कि किसी की उंगली पकड़ना तो छोड़ना नहीं, मंजिल तक पहुंचा के आना, किसी की जिम्मेदारी लेना तो आधे रास्ते में छोड़ना नहीं उसे। इन बच्चों को छोड़ के आ जाएगी। बात मत कर मुझसे, तू काम कर रही है उसको पूरा कर। हेलो, मिस चैरिटी, शिफाली बात कर रही हूँ। इंटरव्यू कब दे रही हो मैडम? तुम्हारे इंटरव्यू की वजह से हमारा प्रमोशन रुका हुआ है।